अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज ही रमझाझर में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। एक बार फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण किया गया सड़क पिछले सरकार की पोल खोलते नजर आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बड़ौदा बाजार जिला के ग्राम पंचायत खमहरिया के आश्रित ग्राम गोपालपुर की, जहां गोपालपुर से होकर सड़क सीधा खपरी डी पहुँचता है, जिसकी दूरी गोपालपुर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है। इस सड़क में गोपालपुर इलाके सहित सरायपाली क्षेत्र के लोग हमेशा आवागमन करते हैं। ये रोड के चलते हमको स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं खमरिया स्कूल में ग्यारहवीं का छात्र हूँ और ये रोड में हम जब हम स्कूल जाते हैं तो ऐसी गड्ढे में गिर भी जाते हैं, जिससे हमारी घटनाएं चोट भी लगती है और अनेक सारी समस्याएं हैं। हाँ, अभी नया सरपंच है, उनको मालूम है, इनके बारे में हम चर्चा भी किए थे उनसे, वो बन देखेंगे ऐसा बोले थे। ये मार्ग से अब पुल जुड़ा है, शासकीय हॉस्पिटल जुड़ा है और सरकारी दुकान भी जुड़ा है। जो बताया जा रहा है कि सड़क में कई शासकीय संस्थान जुड़ा है, जैसे कि शासकीय हॉस्पिटल, शासकीय डीएवी हाई स्कूल, विद्युत सब डिवीजन व ऐसे कई अन्य संस्थानों, जिसके चलते हजारों लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। इस मार्ग में आए दिन हर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी हाथ में हाथ धरे मौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा हो। ग्रामीणों की माने तो इस सड़क में इस तरह की स्थिति निर्मित है सन 2013 से अब तक बना हुआ है, जिनकी शिकायत जिले के कई कलेक्टरों को किया जा चुका है। मार्ग में समस्या है, गोपालपुर से अमली जी कम से कम 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर में कम से कम तो 12,000 गड्ढा है। मैंने ऐसे प्रतीत होते हैं कि रोड ऊपर गड्ढा है या गड्ढा के ऊपर। मार्ग समस्या कम से कम 2013-14 से बनी। अगर शिकायत में है भाजपा गवर्नमेंट रही थी, समय सनम जांगड़े और मुख्यमंत्री रमन सिंह ऊपर में करे रहे, और बाद कांग्रेस गवर्नमेंट रही था माननीय चंद्र देव राय में भी करे रहे, एक पहले जो कलेक्टर रही से मैंने 2 कलेक्टर में कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान कलेक्टर है एक पूर्व कलेक्टर में, तो बावजूद भी कोई रोड के प्रति एवं सूद नहीं मिली, न जानकारी नहीं मिली, न जाँच नहीं कर रही, न किसी प्रकार के मरम्मत नहीं कर रही। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये रोड जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र बने। कहावा ये रोड ऐसे रोड है कि एक जिला से दूसरा जिला जोड़ते हैं, बाबाजा रोड और महासमुंद रोड, तो वहाँ आवागमन ऐसा साधन है। और ये जो रोड है कि वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, अमीरता स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब स्टेशन और शासकीय घाटा टी स्कूल और शासकीय हायर सेकेंडरी धोबनी स्कूल, माने अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण संस्था संचालित होते रोड। उन नाम है दरअसल रामचंद्र कपूर और सरपंच गोपालपुर। बावजूद इसकी हालात का सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया और न ही रोड निर्माण को लेकर कोई जांच करवाया गया और न ही इस सड़क का मरम्मत समय रहते किया गया। इस सड़क की हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सड़क के ऊपर गड्ढा नहीं है बल्कि गड्ढों के ऊपर सड़क है। वही दूसरी ओर इस संबंध में PWD विभाग के SDO दीपक ठाकुर से बात कर जानकारी लिया गया। उन्होंने बताया कि उस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा किया गया है और उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उन्हीं का है। गौरतलब है कि ग्रामीण सहित क्षेत्र के लोग शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से सड़क निर्माण करने की मांग किए हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि क्या यह सड़क सुधर पाएगा या यूं ही जर्जर अवस्था में पड़ा रहेगा और दुर्घटनाओं को न्योता देता रहेगा। नारायण प्रसाद साहू, अभी तो सबसे बहुत ज़्यादा समस्या है, रोड है पूरा जो 1 किलोमीटर के दायरे में गोपालपुर से खमरिया, जो 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर में 400 जो मेन संस्थान है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर 500 मीटर के दूरी में, उसके बाद 1 किलोमीटर के दायरे में DAV पब्लिक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट खमरिया और नेवीदिरा स्कूल, जिसमें प्रतिदिन 2000 बच्चे का आवागमन है, जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, गड्ढा रोड भारी गड्ढा है जो में पानी बरसात के दिन में पानी भर जाता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सबसे ज़्यादा डिलीवरी केस, यानी कि बहुत ज़्यादा इस रोड में 1 किलोमीटर के दायरे में इतने 4 संस्थान हैं
जो प्रतिदिन 2,000 1,500 तो बच्चे स्कूल के आवागमन है, 500 कम से कम 100 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आते जाते हैं। ये तो पिछले 5 साल हो गए, 5 साल से और ज़्यादा हो गए, 6-7 साल हो गए। जो पूर्व में हमने जो हमारे परम सम्मानी कलेक्टर महोदय थे, जो राजेश राणा जी थे, जो DAV स्कूल में प्रेरणा कैंप चला रहे थे, तो वहाँ उपस्थित थे। उसमें हम लोग लिखित में आवेदन लगाए थे और फेस टू फेस बात किए थे रोड के नाम से, जो इसी रोड से गए थे, जो प्रेरणा कैंप लगा रहे थे प्रति स्कूल में जा के, उस दौरान आए थे। पूर्व विधायक सनम जांगड़े को भी अवगत कराया जा चुका है, इसके बारे में कई बार समाचार में हरिभूमि में प्रकाशित किया गया है। हम लोग कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को भी लिखित में दे चुके हैं, जो इसकी समस्या आज तक हल नहीं। एक गोपालपुर से अमलीडी कम से कम 12 किलोमीटर दूरी है, जो 10 वर्ष पूर्व बनाया गया था और बनाने के बाद आज तक रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ है। जो भटगांव जो SDO मेरे माध्यम से नहीं, हमारे धरासराम टंडन के नाम माध्यम से जो समाचार बनाते हैं तो उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट उससे लेते हैं। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।